पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टियां वोटर्स को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त हम लोग दारुल उलूम में हैं और मेरे साथ हैं यहां के चीफ मौलाना अरशद मदनी। स्वागत है सर आपका आज तक पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे वक्त में जब चुनाव सर पर हैं और हर पार्टी मुसलमान वोटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है, आपके हिसाब से इस चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का और दारुल उलूम का और आपका खुद का क्या नजरिया है? देखिए, मैं पहली बात तो मैं ये वादे करना चाहता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद एक खालिस तालीमी इदारा है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इलेक्शन के मौजू के ऊपर दारुल उलूम से कोई सिलसिले में आगे लाना ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। दारुल उलूम का ताल्लुक इलेक्शन से कुछ नहीं। आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं एक बात कहता हूँ और वो मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, और बात चीजें वो हैं कि जो मैं जमीयत उलमा की तरफ से कह सकता हूँ कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और हम ये समझते हैं कि सेकुलरिज्म ही इस मुल्क की जान है। यहाँ बेशुमार अकलियतें रहती हैं और वो अकलियतें सेकुलरिज्म के होते हुए अपने मजहबी मामलात के अंदर आजाद हैं। सेकुलरिज्म क्या है आपके? मैं सेकुलरिज्म का मफहूम ये लेता हूँ कि अगर कोई पार्टी ये कहती है कि ये मुल्क हिंदू का है और हिंदू स्टेट बनकर इस मुल्क का कानून और निजाम चलेगा, मैं कहता हूँ कि वो पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं है बल्कि वो फिरकोपरस्त पार्टी है। एक बड़ा तबका है जो कहता है कि सेकुलरिज्म के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है, अपीजमेंट हो रही है और इस वजह से सेकुलरिज्म एक मास्क बन गया है, हकीकत में हो रही है अपीजमेंट और उसको खत्म करने का वक्त। नहीं नहीं, मैंने आपको एक मेयार दिया है कि जो ये कहता है कि इस मुल्क को आगे हम अगर इख्तदार में आएंगे तो हम इसको हिंदू स्टेट बनाएंगे, जो ये कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, हम ये समझते हैं कि ये इस मुल्क को सेकुलर नहीं रखना चाहता है बल्कि ये इस मुल्क को एक हिंदू स्टेट के रूप के अंदर रखना चाहता है। अगर मुल्क हिंदू स्टेट बनकर रहेगा तो अकलियतें यहाँ चैन और सुकून से नहीं बैठेंगी। एक मरतबा इस बुनियाद के ऊपर मुल्क तकसीम हो चुका है, फिर मुल्क तकसीम होगा और टूटेगा। ये मुल्क जिंदा अगर रह सकता है तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत से रह सकता है, आजादी के साथ रह सकता है। आपके हिसाब से अगर कम्युनल फोर्सेस पावर में आ जाए तो मुल्क टूट जाएगा, टूट जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा, हो नहीं सकता है। कौन है, अकलियतों को कौन रख लेगा? अकलियतें रह जाएंगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अरे भाई, इंडोनेशिया के अंदर एक छोटा सा इलाका था तैमूर, जिसके अंदर ईसाई रहते थे, सारी दुनिया ने मिलकर के मुल्क को तकसीम करा दिया, नहीं करा दिया? आप देखिए, सूडान के अंदर जनूबी हिस्से में थोड़े से हिस्से के अंदर ईसाई की अगलबियत थी, तकसीम करा दिया ईसाई मुल्कों में रह करके। आपके इस मुल्क के अंदर कितनी स्टेट हैं जो इस वक्त क्रिश्चियन स्टेट हैं? आप देखिए, हिंदुस्तान के मशरक के अंदर आपके बोडोलैंड भी उसी तरफ से, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, कौन माई का लाल है हिंदू स्टेट बन जाए और ये स्टेट रह जाएंगे, मुल्क तकसीम हो। पर सर, इस बार का चुनाव जो है वो तो विकास के नाम पर पार्टियां कह रही हैं कि वो लड़ रही हैं और कई सारे ऐसे मौलाना हैं जिन पे आरोप लग रहा है कि वो एक खौफ पैदा कर रहे हैं कि अगर मोदी आ गया तो देश में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मोदी का कैंपेन उठा के देखिए, उन्होंने तो अपनी जुबान से एक चीज कम्युनल नहीं बोला। हम मोदी को कभी नहीं कहते, एक मोदी नहीं, 50 मोदी आ जाएं, हमें मोदी का खौफ नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि मुल्क दो नजरियात की जंग लड़ रहा है, ये मुल्क हिंदू स्टेट रहे, बीजेपी कहती है हिंदू स्टेट रहे, उसने अपने आदमी को लाकर खड़ा कर दिया कि ये मोदी है, मोदी की जात से कोई ताल्लुक नहीं है। पर आपको नहीं लग रहा कि आरएसएस भी और बीजेपी भी बदल रहा है? हिंदू स्टेट की, राम मंदिर की, अयोध्या की, राम जन्मभूमि की इस बार बात नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान ये छोड़ दो, रोजगार के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, गरीबी हिंदू मुसलमान दोनों को इम्पैक्ट। ये इख्तदार को हासिल करने के लिए एक धोखा है, अगर इख्तदार में आ जाएंगे तो जो हालात मुल्क के अंदर बद से बदतर अकलियतों के लिए आज है, इससे 50 गुना ज्यादा होने का खतरा है हमें। और हम ये समझते हैं कि अगर उनको इख्तदार होगा तो सबसे पहले जो छुरी अगर चला सकते हैं वो, अगर उनके अंदर इख्तदार मुकम्मल हो गया, सबसे पहली छुरी वो चलाएंगे कि अकलियतों और बिलखुसूस मुसलमान को वोट के हक से महरूम रखेंगे। आज तक अगर वो इख्तदार से महरूम हैं सही तरीके पर, सिर्फ इस बुनियाद पर है कि अकलियतों को वोट डालने का हक है। सर, हकीकत यह है कि 2002 के बाद गुजरात में दंगे नहीं हुए, आप
कह तो रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन गुजरात में 2002 से अब तक 12 साल हो गए। पहले हर साल दंगा हुआ करता था, 12 साल में एक दंगा नहीं हुआ। वहां के मुसलमान अच्छा कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, अमीर हो रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, समझ रहे हैं आप, गलत समझ रहे हैं। गुजराती जहां है कारोबार के साथ जिंदा रहता है। गुजराती रंगून में था, रंगून के अंदर सबसे बड़ी अकलियत इक्तिसादी एतबार से थी। रंगून अगर आबाद हुआ वहां के, वो चले गए साउथ अफ्रीका के मुसलमान को देख लीजिए, गुजरात को बिल्कुल टॉप के ऊपर है। साउथ अफ्रीका से निकल करके वो इंग्लैंड के अंदर पहुंचे, इब्तदाई हालात उनके खराब रहे, जो दिन भी गुजर रहा है वो इकतसादी एतबार से आगे बढ़ रहे हैं। ये उनकी अपनी जाती सलाहियत है कारोबार करने की, वो इसलिए बढ़। मोदी ने क्या किया ये बताइए कि जैसा फसाद मोदी ने किया है, हिंदुस्तान के अंदर कोई फसाद उस नौयत का 65 साल के अंदर हुआ है? क्यों 84 के दंगे हुए, नेल्ली के दंगे हुए, भागलपुर के दंगे हुए, महाराष्ट्र में पिछले साल दंगे हुए, यूपी में मुजफ्फरनगर में तो सितंबर में दंगे हुए, 60 लोग मरे। लेकिन कोई ऐसा दंगा जिसमें चीफ मिनिस्टर से लेकर के और पुलिस अहलकार तक हर एक मुस्लिम की नस्ल कुशी करने के ऊपर लगा हुआ, कोई नहीं? आप कैसे कह सकते हैं हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, 300 हिंदू मरे थे गुजरात के। आप पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त से मैं दंगों को देख रहा हूँ, जब ये तलमा से ज्यादा दंगों को देख रहा हूँ, कोई नहीं है। नहीं आप क्या कहते हैं, पर हकीकत है कि नहीं मौलाना साहब? मैं हकीकत को कह रहा हूँ, उसको अपने ऊपर भुगत कर कह रहा हूँ। मैं उन हाथों को पहचानता हूँ जिन हाथों ने मुसलमानों को कत्ल, आप नहीं पहचानते। आप क्या जाने कत्ल किस चीज का नाम है, आप क्या जाने आग लगाना किस चीज। मुस्लिम अकलियत से पूछिए, वो उन हाथों को पहचानती है जिन हाथों ने खंजर से मुसलमान को दबा दिया। मैं जानता हूँ कौन दबा करने वाले। आप फसादात की तारीख मुझसे बताएंगे, मुझसे पूछिए फसाद। पर 2002 के बाद तो दंगा नहीं हुआ, हकीकत है ये। गुजरात की पहले गुजरात में हर साल दंगा हुआ, जो दंगा हो गया है गुजरात के अंदर, उसने मुसलमान की कमर को तोड़ दिया था, मायूस कर दिया था। ये तो मुसलमान सख्त जान है, हमारी या पहाड़ की तरह की वो जिंदा है, वरना मोदी और बीजेपी मुसलमान को जिंदा रखेगी। आज भी अगर वो खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर इख्तदार हासिल होगा, सबसे बड़ा भुगतान मुसलमान को भुगतना पड़ेगा। और मुझे ये खतरा है कि कहीं म्यांमार की तरह मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जिंदगी न बसर करे। पर हकीकत ये भी है कि कई सारे मुसलमान तो अब बीजेपी और मोदी की तरफ रुख कर रहे हैं। साबिर अली गए, एमजे अकबर गए, और आप अमूमन जो यंग मुसलमान है जो नौकरी की तलाश में है, जिसको अपने फ्यूचर की फिक्र है, वो तो कह रहा है कि उतना मोदी बुरा नहीं है जितना मौलाना साहब बताते हैं। मोदी का क्या मसला, बीजेपी उतना बुरा नहीं? आप गलत कहते हो। बीजेपी आरएसएस का बिंग है। मैं कहता हूँ ये बीजेपी किसी अकलियत को और बिलखसूस मुसलमान को मुल्क के अंदर आजादी के साथ जीने का हक नहीं देती। आज तक जो कुछ हुआ है वो बीजेपी के नजरियात ही से हुआ है, और बीजेपी अपने नजरियात को खत्म कर दे और हमारे सामने आए और हमें तजुर्बा करने दे कि वो अपने नजरियात से हट गई, हम बीजेपी की हिमायत। तजुर्बा आपको हो नहीं रहा, कैंपेन उठा के देखिए, एक भी शब्द कम्युनल या हिंदुत्व या राम मंदिर का अब तक बीजेपी ने नहीं। आप नहीं समझते, जरूरत के वक्त आदमी गधे को भी बाप बनाता है। आज उन्हें इख्तदार की फिक्र है, इसलिए मुसलमान के लिए ये बात कह रहे हैं। अगर इख्तदार न होता तो हम देखते बीजेपी कैसे कहती है। कितनी मर्तबा खड़े होकर के बीजेपी ने और मोदी ने गुजरात के फसाद के ऊपर माफी मांगी है, बताइए आप। माफी तो नहीं मांगी, नहीं मांगी है तो क्या पता चला। पर वो कहते हैं कि अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे फांसी दे दो। ये बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो शर्मिंदा नहीं है मुसलमान की नस्ल कुशी के ऊपर। अगर शर्मिंदा होते तो वो कहते कि हम शर्मिंदा, पर वो कह चुके हैं कि उन्हें अफसोस है। नहीं ये कोई, वो कहते हैं कि गम है। बीजेपी आरएसएस सब खड़े होकर के कहें कि हमसे गलती हुई है, माफ कर। आज नहीं, आज तो उन्हें जरूरत है भीख मांगने की, मुसलमान के वोट की जरूरत है, इसलिए कह रहे हैं। वो ये कह करके आम हालात के अंदर ये साबित करें कि उसका नजरिया तब्दील हो गया है, हम उन्हें घरे लगा। कैसे साबित होगा आपके? इसलिए इलेक्शन के जमाने में, इलेक्शन गुजर जाए, वो आए मैदान के अंदर और आकर के कहें कि हम अपने नजरिए को तब्दील करते हैं, हम उन्हें घरे। पर आप माफी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से क्यों मांगते हैं? इसलिए से यहाँ पे सर 60 लोगों की मौत। मैं कहता हूँ आपने अखिलेश से माफी क्यों ना मांगी? मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने फसाद चलाया है उनकी चैन मुजफ्फरनगर से लेकर के वहां तक जुड़ी है। वो वही जहनीयत है जो फिरका परस्त जहनीयत है, वरना तो एक बात है। अरे भाई, सपा को इख्तदार में मुसलमान ही लाया था। ये
बीएसपी वालों ने भी इसको माना है और सपा वाले भी मांग, ये कैसे हो सकता है कि जिस पार्टी को इख्तदार में मुसलमान लाया है वही पार्टी अपने पैरों के नीचे से जमीन खुद निकल, मैं ऐसा पर हो रहा है वो नहीं का हो रहा है, उन्हीं हाथों से हो रहा है जिन हाथों के अंदर क्रिमिनल भरा हुआ है उन्होंने, वरना तो जैसी उन्होंने मुसलमान पीड़ित लोगों की मदद किया आज तक तो 65 साल में किसी ने मदद की नहीं है। हम देख रहे हैं सर कि मुसलमान वोट जो है जो मुसलमान बदलते हैं मौजू को, मैं कह रहा हूँ क्या आप बता सकते हैं कि किसी ने मुसीबत ज़दा लोगों के ऐसी मदद की है? सर होने क्यों दिया? मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, ठीक है होने क्यों दिया? वो मैं कहता हूँ, वो मैं कहता हूँ और मैं कह भी चुका हूँ कि तजुर्बा नहीं था इसलिए गलती हो गई एक लड़के का, ये तो बहाना है। मोदी भी कह सकते तजुर्बा नहीं था, जुम्मे के जुम्मे हुए थे मेरे को सीएम बने, मोदी बड़े आदमी है सर, अखिलेश सीएम है बड़े सब देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम है, कितने दिन के अंदर उसके ऊपर, मैं कोई उनका मैं उनसे भी कह चुका हूँ और आपसे भी कहता हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं उनकी पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन मैंने कोई उधार भी नहीं खा रखा कि मैं उनकी हर बात को गलत ही कहूँ, मैं ये कहता हूँ कि जैसी उन्होंने मदद की है वैसी किसी ने मदद नहीं की है। कांग्रेस में 10 साल हो गए यूपीए के, क्या आपको लगा मदद की मुसलमानों की? देखिए दो मौजू अलग अलग नहीं पर ये अहम मौजू, मैं कहता हूँ हाँ मदद की मुसलमान, कैसे? देखिए किसने अकलियती किरदार जामे मिलिया कर दिया है, किसने किया आप समझते हैं इस बात, मैंने कराया है, मैं गया हूँ बार बार लेकर के उसको प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर लेकर के गए सोनिया जी के पास और आज उसके अंदर 20,000 लड़कों के अंदर 14,000 लड़के मुसलमान पढ़ रहे हैं, क्या ये कांग्रेस का काम नहीं है? पर सर आपकी बात में इतना वजन है इस वजह से मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जब इस तरह की बातें करते हैं आपको नहीं लगता कि कौमी एकता के लिए देश के लिए देश की जो सोशल फैब्रिक है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है? अगर आप इतना खौफ पैदा करेंगे कुछ भी होने से पहले, नहीं आप मैं आप कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अब न जाने होगा कि ना होगा, नजरियात है ना वही नजरियात है, नजरियात है कि नफरत नहीं वही नफरत के नजर, पर नफरत की नजर क्यों है? इसलिए है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके इस मुल्क के अंदर मुसलमान जिंदा रहे, नहीं वो तो कह रहे हैं उनकी नजर में नफरत नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपकी नजर में नफरत, भाई मेरी नजर में नफरत, आज वो कह रहे हैं जब उनके सामने इलेक्शन है और मुसलमान के वोट की कीमत है, इससे हट करके 3 महीने के बाद वो इसका प्रचार करें तो मैं कहूंगा कि हकीकत है, और अगर नहीं करते हैं इलेक्शन के अलावा तो मैं समझता हूँ झूठ है झूठ है झूठ है। हम देख रहे हैं कि इस बार जो मुस्लिम ओपिनियन है वो डिवाइडेड है, कुछ जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल मौलवी हैं वो बसपा के पक्ष में हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के शाही इमाम जामा मस्जिद के कह रहे कि कांग्रेस से सोनिया गांधी उनसे मिल के आई, सब डोरे डाल रहे हैं मुस्लिम वोट पर, ये बताइए वो डोरे डाल रहे हैं बीजेपी, वो डोरे डाल रही नहीं डाल रही आप ये तो बताइए, बीजेपी भी अपील कर रही है मुस्लिम, ये बात तो इनका क्या कसूर है? अरे भाई अगर बीजेपी जैसी पार्टी हम जिसके हाथ को मुसलमान के खून में रंगा हुआ देखते हैं वो आज मुसलमानों पर डोर, तो आप कांग्रेस और सपा से और बीएसपी से क्या शिकवा करते हो? अरे भाई इन पार्टियों को तो ये तो जब कभी भी इख्तदार में आएंगी मुसलमान ही के वोट से इख्तदार में आएंगी और किसी तरह तो आप जो लोग देख रहे हैं हिंदू भी मुसलमान भी मौलाना अरशद मदनी चुनाव के लिए क्या बात रखना चाहेंगे? मैं नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ और मैं दे चुका हूँ अपने पैसे से दे चुका हूँ, हराम है जो किसी पार्टी से मैंने पैसा लिया हो, मैं ये कहता हूँ कि दो नजरियात की लड़ाई है, वो नजरिया जो इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाना चाहता है मुत्तहिद होकर के उस नजरिए को मैदान से धकेलो, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में सेकुलर माइंड किसी भी पार्टी का कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है जमा होकर के उस कैंडिडेट को आगे बढ़ा दो, मेरा ये एक बहुत साफ और सुथरा नजरिया है, कहीं बीएसपी का बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ा दो, कांग्रेस का बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ा दो, समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है आगे बढ़ा दो, आपका आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ा दो, बीजेपी को न आने दो, अगर आएगी तो उसका भुगतान सब भुगतेंगे, अक्सरियत भी और अकलियत भी, मुल्क से चैन और अमन जाएगा और सबसे ज्यादा जो भुगतेगी वो मुस्लिम अकलियत। पर आप ये कहेंगे मेरा एक नजरिया है, मैं उस नजरिए के अंदर आजाद हूं, पर आप ये कहेंगे तो दूसरा पर्सपेक्टिव होगा कि हिंदू पोलराइज हो जाएगा? नहीं, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन तो, नहीं नहीं जो बात तो उल्टा इम्पैक्ट ये होगा कि मुस्लिम पोलराइज हो जाएगा, देश हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बढ़ जाएगा? नहीं हो सकता। क्यों? मैं ये कह रहा हूँ वो आगे बढ़ने वाला कैंडिडेट हिंदू हो तब मुसलमान हो तब उसे आगे बढ़ाओ, कैसे हो जाएगा? अरे भाई बीएसपी के सारे कैंडिडेट मुसलमान है, समाजवादी पार्टी के सारे कैंडिडेट मुसलमान, पर उसके नाम पर
बीजेपी के पक्ष में नहीं, हिंदू नहीं। वोटर पोलराइज हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि मुसलमान को आगे बढ़ाओ चाहे वो किसी भी पार्टी का हो तो आपकी बात, मैं कहता हूं हिंदू हो तो सिख हो आप उसे आगे बढ़ा दीजिए अगर उसका पल्ला भारी है। इसके अंदर कैसे हो जाएगी फिरकापरस्ती? जमीयत उलमा को कोई ये कहे फिरकापरस्ती? हमने तो फिरकापरस्ती के मुकाबले में अपनी टोपियों को पैरों से रदवाया है, हमारे तो सर की पगड़ियों को लोगों ने, हमने तो कभी फिरकापरस्ती, हम आज भी फिरकापरस्त नहीं है। मौलाना अरशद मदनी साहब, आपने आज तक के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।